आगे बढ़ने से पहले मैं अपनी सभी व्यूअर्स को गणतंत्र दिवस का हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयां देना चाहूंगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे टेक्सिट चैनल पे। मैं हूं सिद्धार्थ और आज मैं आपको एक ऐसे अमेजिंग ट्रिक के बारे में बताऊंगा जिससे आप क्रोम ब्राउजर पे किसी भी कीबोर्ड या माइक्रोफोन के बिना ही किसी भी चीज को टाइप कर सकते हैं। तो ये ट्रिक को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो देर ना करके चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए कितना अमेजिंग लग रहा है ना। तो अगर आप इस ट्रिक को किसी के सामने करते हैं तो वो एकदम ही चौंक जाएगा कि यार ये कैसे कर रहा है कोई कीबोर्ड माइक्रोफोन यूज के बिना। इसके लिए आपको सबसे पहले जाना पड़ेगा क्रोम ब्राउजर पे, मतलब क्रोम ब्राउजर को आपको ओपन करना पड़ेगा। ओपन करने के बाद वहाँ पे एक सर्च कीजिए google.com। तो सर्च जो बार है उसमें आप google.com लिखिए। लिखने के बाद आप जब आप सर्च करेंगे, सर्च करने के बाद देखिए ये एक इंटरफेस ओपन हो गया। अब ये इंटरफेस में आपको एक ऑप्शन मिलेगा सेटिंग्स, जो कि एकदम नीचे रहता है। तो वहाँ पे आप जाइए। जाने के बाद आपको सेटिंग्स का जो ऑप्शन है उसको आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद देखिए बहुत सारे ऑप्शन आए जिसमें सर्च सेटिंग का एक ऑप्शन है, तो उसको आप सिंपली सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद देखिए बहुत सारे और भी ऑप्शन आए जिसमें हैंड राइट नाम का एक ऑप्शन है जो डिसेबल है, उसको आप सिंपली इनेबल कर दीजिए। इनेबल करने के बाद आप सिंपली इसे सेव कर दीजिए। इसके बाद आपके पास एक नोटिफिकेशन आएगा कि आप जो चेंज किए हैं वो सब सेव हो गया है। उस नोटिफिकेशन को जब आप ओके कर देंगे तो देखिए नीचे एक टैब आ गया है जिसमें हेल्प, स्पेस, कैंसिल और जी नाम का एक बटन है। अब अगर किसी भी चीज़ को आप लिखते हैं अपने डिस्प्ले के ऊपर तो वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे सर्च पे लिखा हो जाता है। देखिए इस ट्रिक का यही खासियत है कि इसमें आपको कोई भी कीपैड या कोई भी माइक्रोफोन का ज़रूरत नहीं पड़ता है। इससे आप किसी भी चीज़ को बड़े आसानी से लिख सकते हैं अपने फ़ोन पे। इस ट्रिक का खासियत यह है कि इस ट्रिक के लिए आपको कोई भी एप्लीकेशन बाहर से डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा, मतलब इस क्रोम पे ही आप सब कुछ कर सकते हैं। इस ट्रिक को करते वक्त आपको एक प्रॉब्लम आएगा कि आप अपने फ़ोन में नीचे का जो न्यूज़ आता है ना गूगल में, वो आप सर्फिंग नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए भी एक प्रोसेस है जिससे आप उसको भी सर्फिंग कर पाएंगे और आप चाहे तो इसको ऐसे हैंड रिटन लिख भी सकते हैं। तो इसके लिए आपको सिंपली देखिए नीचे का जो टैब है इसमें एक जी नाम का एक बटन है, तो उस बटन को आप सिंपली क्लिक कीजिए। क्योंकि इस टाइम पे आप कोई भी चीज़ को आप स्क्रॉल नहीं कर पाएंगे, अगर आप स्क्रॉल करेंगे तो वो लिखा हो जाएगा वहाँ पे। तो आप जी जो बटन है उसको आप सिंपली क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद देखिए वो पूरा टैब हाइड हो गया और आप सिंपली इसे स्क्रॉल कर सकते हैं। तो ये ट्रिक आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइए। और आज की वीडियो इतनी सी थी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए अच्छे रहिए, सबको अच्छे रखिए। धन्यवाद। जय हिंद।